अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेकी MSA। दोस्तों, अगर आप शुआमी मोबाइल यूज़ करते हो और आपके नंबर पे फेक OTPs रिसीव हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसे किस तरह से ऑफ़ करें, यह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो, अगर आपको भी इस तरह के OTPs मिल रहे हैं, इस फेक OTPs को ब्लॉक करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के डायलर पर चले जाना है। डायलर ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ 3 लाइन्स पर टैप कर देना है और फिर यहाँ से सेटिंग्स में चले जाना है और फिर आपको यहाँ पे सेंटर में ब्लॉक लिस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लॉक लिस्ट पे टैप करने के बाद आपको अपने मोबाइल के दोनों सिम देखने को मिल जाएंगे। जो भी सिम पे आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, बस उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से ब्लॉक लिस्ट को इनेबल कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर SMS ब्लॉक लिस्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ टॉप में आपको मैसेजेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर टैप करके सिंपली आपको इसे ब्लॉक कर देना है। इसको ब्लॉक करने के बाद आपको अननोन नंबर से मैसेजेस, OTPs और बैंकिंग के मैसेजेस नहीं मिलेंगे और यहाँ कीवर्ड ब्लॉक लिस्ट वाला ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप कुछ भी कीवर्ड टाइप करके उस वाले मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हो। उस OTPs को ब्लॉक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसके नोटिफिकेशन भी आपको ना मिले, जैसे आप देख सकते हो ब्लॉक नोटिफिकेशन मिलते हैं, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर आगे यहाँ से नेवर वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। Thanks for watching. Like और subscribe पे एक साथ क्लिक कर दें। Thanks.